हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए हम इस तरह से हम इसे लॉक कर लेंगे। इस तरह से इसे टाइट करेंगे यहीं पे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैन, 13 चैन बनाएंगे। 13 चैन बनाने के बाद अब हम 3 चैन और बनाएंगे। 3 चैन हो गई हमारी, और ये चैन हम लूज लूज बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 चैन छोड़ के चौथी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लूज बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरी यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बन गई। 13 चैन बनाई थी, 1 3 की चैन, 14 डबल क्रोशिया, 14 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद अब हम इसी के बराबर वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 1 चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो गए। आगे वाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चैन के अंदर अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया, एक, और इसी में एक बार और बनाएंगे ये 2। अब इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, 1 चैन के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया, और मैंने यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनाई थी। 14 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने सभी चैन के अंदर 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। दूसरे राउंड में मेरे 28 डबल क्रोशिया हैं। अब हम यहाँ पर 3 चैन तरह से घुमाएंगे और इसे छोड़ेंगे। आई वाली के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आई वाली में डबल क्रोशिया, आई वाली में डबल क्रोशिया, एक हमारी 3 की चैन, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया हो गई, 1 चैन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन छोड़ के सातवीं में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 6 7 8, यहाँ पे मेरे 8 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से यहाँ पे 1 चैन, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन छोड़ेंगे सातवीं में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गई हमारी डबल क्रोशिया, 2 3, ये हमारी 4 डबल क्रोशिया, ये हमारी बाजू हो गई, ये पीछे और ये आगे। अब इस तरह से यहाँ पर 3 चैन बनाई थी, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम हमारी ये चोली बन के तैयार हो गई। अब यहीं से अब घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 चैन, इसी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 1 चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, ये 2 डबल क्रोशिया।
फिर से आगे वाली में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ये दो। अब हम सभी चैन के अंदर दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। तीन चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे वाली में हम दो बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक और इसी में एक और बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गए हमारे। फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में दो बार बनाएंगे, एक ये दो डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहीं पे हम तीन चैन बनाएंगे, दो तीन, आगे वाली में हम एक डबल क्रोशिया। अब फिर से हम आगे वाली में दो बार बनाएंगे, अब हम तीसरी डबल क्रोशिया के अंदर दो बार बनाएंगे। इस तरह से आगे वाली में एक, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया हो गए हमारे। आगे वाली के अंदर हम तीसरी में दो बार बनाएंगे, एक और ये दो। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में आ गए और यहाँ पे मैं थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी इस तरह से, और एक चैन बनाकर अब हम इसे काट लेंगे। इस तरह से घेर बन के तैयार हो गया हमारा। इसे हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से, एक दो तीन चैन। तीन चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो ये तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया हो गए और एक थ्री की चैन, चार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक दो तीन चार पांच चैन। अब यहाँ से हम क्रोशिया निकालेंगे और यहाँ पर मैंने तीन चैन बनाई थी, ये ऊपर हम तीसरी वाली इस तरह से हम क्रोशिया निकालेंगे, सी के अंदर से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे पांच चैन बनाई थी, अब इसके अंदर हम एक दो तीन चार पांच और एक छः सात और ये आठ, आठ सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी। एक दो, तीसरी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक दो तीन और ये चार डबल क्रोशिया हमारी, चार डबल क्रोशिया हो गई इस तरह से। अब एक दो तीन चार पांच चैन, पांच चैन बनाएंगे और ऐसे पहली वाली डबल क्रोशिया है इसकी चैन के अंदर से हम इस तरह से निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे पांच चैन बनाई थी, अब इसके अंदर हम एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, आठ सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर से हम यहाँ पे एक दो, तीसरी वाली में हम फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ये दो तीन और ये चार डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे हम पांच चैन और यहाँ पे ये पहली वाली डबल क्रोशिया है इसके, यहाँ पे ये चैन है इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे और यहाँ पे एक चैन बनाकर इसे लॉक कर लेंगे। फिर चैन के अंदर आठ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में पहुंच गए और मैंने यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बना ली। अब पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और यहाँ पे ये पहली डबल क्रोशिया है इसकी,
चैन के अंदर से हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे एक चैन बनाकर इसे लॉक कर देंगे। अब पांच चैन बनाई थी, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे तीन चैन बनाई थी, इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे एक चैन बनाकर इसे काट देंगे। वैसे हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई। इसे पीछे की तरफ सेट कर देंगे। इस तरह से अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। यहाँ पर इसे हम इस तरह से जोड़ेंगे, एक चैन बनाकर इसे लॉक कर लेंगे पहले इस तरह से, और यहीं पे इस तरह से निकालेंगे। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक ये दो सिंगल क्रोशिया, फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसके अंदर हम फिर से दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, फिर से अब यहाँ आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर एक चैन। एक चैन बनाने के बाद फिर से हम इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, दो, और यहाँ पर एक छोड़ेंगे, एक चैन से छोड़ेंगे, आगे वाली पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आगे लास्ट में और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, और आगे वाली के अंदर हम फिर से दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, एक चैन, फिर से इसी के अंदर दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। अब हम आगे वाली डबल क्रोशिया यहाँ पे इसमें दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, आगे वाली में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक ये दो, यहीं पे एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से हमारी ये आउटलाइन बनके तैयार हो गई। अब बाजू की बनाएंगे हम, बाजू की हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से, सिल पहले लॉक करेंगे, यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, और इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। सभी डबल क्रोशिया के अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है इस तरह से, इसे अंदर कर लेंगे, और मैं ये वाली बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये चोली की आउटलाइन बना ली। ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। और आपकी ड्रेस तरह से लूज आए ये, तो यहाँ पे दो चैन छोड़िए, आप तीन चैन भी छोड़ सकती हैं इस तरह से। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई। मेरी वीडियो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।